इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो जो ह्यूमन बीइंग रब ने ज़मीन पर भेजा है, अल्टीमेटली उसे एक दिन लौट कर उसी रब के पास वापस जाना है। आज मेरे बड़े, बल्कि इस फिल्म इंडस्ट्री के, शोबिज़ इंडस्ट्री के बहुत बड़े लेजेंड मसूद अख्तर साहब रज़ाए इलाही से इंतकाल करके जन्नतों के मकीन हो गए। मसूद अख्तर किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं है, एक अहद है, एक एरा है इस मुल्क में, स्टेज के पायनियर्स में से। फिल्म की तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज उनकी एक नहीं कितनी है, टेलीविज़न पे काम किया तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, कभी ना भूलने वाली शख्सियत, चले गए, उनकी कमी हमेशा हमें रहेगी। और मैं बड़ा ब्लेस्ड पर्सन हूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी, मेरे तो वो मुर्शद थे, मैं उनको मुर्शद कहता था, और ये सारी दुनिया को पता है, सारी हयाती उनकी शफकत रही, उनकी ब्लेसिंग रही, और मेरी ग्रूमिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। चले गए, अल्लाह मियाँ उनकी मगफरत फरमाए, अगले जहान में उनके दर्जात बुलंद करें, और उनके तमाम लवाहिकीन, हम भी उनके लवाहिकीन में से हैं, उनकी कमी पूरी तो नहीं होगी, कसक तो रहेगी, लेकिन ये खरा सच है कि एक दिन हम सबको लौट कर अपने रब के पास वापस जाना है। हुकूमती नुमाइंदों के जनाजे में हम भी नहीं जाएंगे ना, वो नहीं आते तो ना आए, हम कब जाते हैं उनके जनाजों में? जो अमल, जो मैं एक्ट कर ही नहीं रहा उसके रिएक्ट ढूंढने, जो एक्ट मैं करूंगा उसी का रिएक्ट मुझे मिलना, वो मैं हूँ हुकूमती नुमाइंद, कोई भी हो, जैद हो, बकर हो, जो एक्ट मैं करूंगा मुझे उसी का, मेरा एक्ट पॉजिटिव है तो उसका रिएक्ट पॉजिटिव होगा, और अगर मैं नहीं कर रहा तो कल मुझे भी जाना है, यहाँ जो आया उसे जाना है। कैसे कैसे अरबाब इख्तियार चले गए, आज उनके नामों निशान नहीं है, लेकिन ये उन अफराद में से, एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करूँगा, मेरे एक दोस्त का शेर है कि बिछड़े लोगों की याद आती है जब अकेले सफ़र नहीं होता। थैंक यू सो मच। हाँ, वो ख़ुद तो चला गए मसूद अख्तर, मगर उनका काम जो है इस दुनिया में रहेगा जब तक दुनिया कायम है। ये हुक्म रब्बी होता है, जब अल्लाह अपना हुक्म रब्बी वापस ले लेते हैं तो सिर्फ हुक्म वापस जाता है। आज तक जैसे किसी ने ये नहीं कहा कि आपने मरहूमा नूरजहाँ को सुना, ये थे मरहूम मेहदी हसन। तो हम लोग जो अच्छा काम करने वाले हैं वो अल्लाह की मखलूक के दिलों में रहते हैं, और जब तक कोई दिल किसी जाने वाले को याद करता है तो वो समझो मरा नहीं है, वो ज़िंदा है। सिर्फ अल्लाह ने अपना हुक्म वापस लिया है, ये उसका माल है, उसने लेके जाना है। बाकी जहाँ तक मसूद का ताल्लुक है अदाकारी का, क्योंकि मुझसे बाद में आए मसूद, और मैंने देखा कि वो इस कदर जितना हसीन था, जितना खूबसूरत था, उतना खूबसूरत फिकरा बोलता था, और उतनी ही खूबसूरत टाइमिंग थी उसकी। कुछ देर थिएटर में रहा, फिर फिल्म में चला गया, और नाप तोल का इशारे निज़ाम था, बेहतरीन फिक्रा बोलता था और बेहतरीन टाइमिंग थी उसकी, और अच्छा इंसान था। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, और उसके जो आबा व अजदाद हैं, जो उसकी सराउंडिंग है, अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। बहुत भला आदमी था, और जितना अच्छा इंसान था उतना ही अच्छा अदाकार था, बहुत कमाल का था, बड़ा ट्रेंड सेटर था थिएटर में। तो फिल्म में जब गया, मैंने देखा नदीम के साथ उसने जब पहली फिल्म की, तो नदीम तो खैर आर्टिस्ट नहीं था उस वक्त, सिंगर था तो अदाकारी में आया, मगर ये शुरू से ही अदाकार था और बहुत बेहतर था। ऐसी टाइमिंग हमारे यहाँ किसी की नहीं थी, ना किसी सराउंडिंग में और कोई ऐसा बच्चा था। बहुत भला था, बड़ा अच्छा थिएटर किया, बहुत अच्छी फिल्म की, और बहुत अच्छा ज़िंदा रहा वो, और अब भी ज़िंदा है वो, हमारे तो पास है, वो हर वक्त हर नमाज में हमारे साथ है। ये अल्लाह का निज़ाम है, क्योंकि जाने की गारंटी है, आने की गारंटी कोई नहीं। अल्लाह ताला थैंक यू उसके बच्चों को सब्र दे, और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। थैंक यू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, मसूद अख्तर साहब आज अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गए हैं, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। 60 साल फिल्मी ज़िंदगी आप सब के सामने है, पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने, जहाँ उर्दू बोली सुनी और समझी जाती है, सब उन्हें जानते हैं। जाना तो सब नहीं है, लेकिन इतने प्यार वाले आदमी, हमने बहुत सारी फिल्मों में काम किया इकट्ठे, मेरे बाप का रोल किया उन्होंने, बड़ी दफ़ा किया,
बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार और बड़े आजिज बंदे, हंसते मुस्कुराते। मैंने उन्हें कभी, मुझे भी 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने उन्हें कभी गुस्से की हालत में सेट पे नहीं देखा। तो रब्बे कायनात से ये इल्तिजा है कि अपने प्यारे हबीब रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनकी मगफरत फरमाए, आमीन। मसूद अख्तर साहब नहीं गए, अपने साथ एक अहद भी साथ ले गए। मैं ऐनी शाहिद हूँ, मैं एज ए चाइल्ड स्टार जब आया 64 में अलहमरा में एंटर हुआ तो ये सुपर स्टार थे उस वक्त, इंतहाई हसीन आदमी, हसीन इंसान, इतना खूबसूरत अखलाक, जूनियर्स को खूब हौसला अफजाई करने वाले, बेहतरीन डायरेक्टर भी थे। मैंने तो पाकिस्तान में बहुत शहरों में उनके साथ काम किया, लाहौर में बेशुमार किया। पैसा बोलता है उनका यादगार तरीन ड्रामा था, 25 साल वो ड्रामा मैंने भी किया उनके साथ। तो बहुत आला इंसान होने के साथ साथ अदाकार बहुत अच्छे थे और उन्होंने चारों शोबों में अपने आप को मनवाया। लेकिन ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि थिएटर के लिए उनकी खिदमात लाजवाब थी, जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। उन्होंने थिएटर के लिए बहुत काम किया, फ़नकारों की फलाह के लिए बहुत काम किया। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी रूह को सुकून अता फरमाए। बहुत दुआएँ उनके लिए। ये फ़रासत